दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मारीवाल के साथ कथित पिटाई और बदसलूकी के मामले में केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर उदित राज जी हैं। सर, क्या आप कहेंगे, विभव कुमार को राहत मिली है जमानत में? सुप्रीम कोर्ट की अपनी खुद की रूलिंग है कि जमानत दिया जाना चाहिए और सजा अदालत से दी जाती है, और केवल अपवाद के मामले में ऐसा है कि जमानत को ना देना, वरना एक जमानत रूल है। जब जमानत रूल है तो दिया गया, और जहाँ तक मुझे मालूम है कितनी बड़ी घटना भी नहीं है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया है तो सोच समझ के दिया है। और विपक्ष को जिस तरह से दबाने की कोशिश करते हैं हर तरह से, अगर यही बात या यही स्थिति कांग्रेस बीजेपी में हुई होती तो पुलिस दाती तक भी ना, FIR दर्ज भी नहीं करती, लेकिन चूंकि ये विपक्ष की बात थी तो पुलिस ने इस तरह से केस बनाया। सर, इसमें कोर्ट ने ये भी कहा है कि विभव कुमार को CM का निजी सचिव या ऐसा कोई पद नहीं दिया जाए, और उस पर इस केस पर पार्टी के नेता जो है टीका टिप्पणी ना करें। देखिए, ऐसा है, ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब पता नहीं किस तरह से इन्होंने इस तरह की टिप्पणी किया है, मैं तो नहीं समझ में आता है बात। ठीक है, तो उदित राज कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था और जमानत तो इन मामलों में हो ही जाती है, और जमानत हुई है, स्वाभाविक सी बात है। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ जैनेन्द्र, ABP न्यूज दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.